हेलो दगड़ियों, नमस्ते प्रणाम, आप सभी को सुबह की राम राम। स्वागत है आपका नेगी ब्लॉक्स में। दोस्तों, मेरे गांव का नाम है तैला, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों, आज मौसम की बात की जाए तो मौसम बड़ा अटपटा है यार, समझ में नहीं आ रहा है। सुबह के 9 बज चुके हैं और आज हमारी लवाई मनाई है, लेकिन दिमाग देखो यार मौसम का। सुबह तक इसने ऐसा कर दिया था तो आज काम पे जाना ही नहीं है, लेकिन अचानक खुल गया। काफ़ी टाइम हो गया था धान को रखे हुए, उसको सड़ने से पहले हमने सोचा जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि आजकल मौसम ही ऐसा है कि सुबह सुबह बारिश आ रही है जिस टाइम काम करना चाहिए। तो आज हम उसको, मौसम खुला है तो जल्दी से निपटा देते हैं, ये भाप बन के फिर बरस ना जाए, डर इसी चीज़ की लग रही है। मौसम खुलते ही सभी लोग काम पे आने लगे हैं धीरे धीरे, और यहाँ पे हमारे ताई लोग और भाभी लोग भी आ चुके हैं। मैं आपको एक बार पीछे से नज़ारा दिखा देता हूँ, इस टाइम सारे बादल उठे हुए हैं। और जहाँ पे मैंने जाना है वो लोकेशन है ये, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो मम्मी भी गाली दे रही होगी, काफ़ी लेट हो गया मुझे। तो मेरे आने से पहले इन्होंने इतना कर दिया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमारी ताई जी भी जा चुकी हैं। ताई जी स्कूल की प्रिंसिपल हैं, फिर भी टाइम निकाल के इतना काम करना पड़ता है। तो ताई जी को बारिश की वजह से 3 दिन की छुट्टी मिली हुई है, और इन्हीं 3 दिनों में उन्होंने सारा काम करना था, लेकिन वो बोले हैं बारिश ऐसी आती रहेगी तो काम कैसे होगा, क्योंकि मैं जो छुट्टी है वो बारिश की वजह से मिली हुई है। आप मेरे पीछे मौसम देखो यार, आप लोग भी बोले गए, ये देखो बादल मुंह पे लगे हुए हैं, वरना वहाँ सारे पहाड़ दिख जाते हैं। इधर देखो, गाइस तो सुबह हो चुकी है और हम आ चुके हैं खेत में मान में, और भैया भी अभी अभी आया खेत में, और हमने इतनी मान लिया और मैंने न्यार भी ढाल दिया उतनी धूप में। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, पूरा कोहरा लगा हुआ है, परसों की तरह ज़्यादा धूप नहीं है आज। आज ये हमारी मनाई का लास्ट खेत है, इसके बाद झंगोरा कूटने के लिए होगा हमारा। आज चाची भी आई थी हमारे साथ, क्योंकि परसों मम्मी भी गई थी चाची के साथ, तो आज मम्मी की तबीयत भी थोड़ा ख़राब है। मम्मी कुछ बोलना चाहते हो? बोल नहीं पा रही हूँ, तबीयत खराब हो रही है, बुखार हो रहा, खांसी हो रही है। मम्मी को बुखार जुकाम हो गया तो मम्मी कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रही। गाँव के लोग ऐसे होते हैं, जब तक कि उनकी ज़्यादा तबीयत खराब नहीं हुई तो वो दवाई के लिए नहीं जाते। तो आप कल तक देखते हैं, कल चली जाएंगी मम्मी हॉस्पिटल। खेत में मनाई करने के लिए घर में पैसा। तो अभी ये खेत का काम पूरा होगा तो फिर हमारा झंगोरा कूटने के लिए होगा घर में। कैसा लगा मेरा मजाक? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। सीरियस में था वो मैम, यार सीरियस तू ही होगा, तू कोई यहाँ ना के मान नहीं कर रहा क्या ना यार तुम पर? अरे बाहर हो आवा वीडियो चल रही है मम्मी आ ना थोड़ा तेज चला मम्मी। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आवा लास्ट में मम्मी जा का कमर ले के चला ना। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो दोस्तों जस्ट ये मजाक था, प्रैंक था, आजकल सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। विपिन गुसाई हो गया, आपको पता होगा, और SR पहाड़ी हो गया, तो ट्रेंडिंग में चली है ये चीज। मैं सोचा मैं भी कर लूं, लेकिन हुआ नहीं सक्सेसफुल, इसको बिल्कुल भी एक्टिंग करनी नहीं आई। आप ही लगाओ दोस्तों, आप देखते हैं वायरल होती है कि नहीं होती है। विपिन और इनकी तो काफ़ी वायरल हो रही है, लेकिन उनका पता नहीं सच दिखा रहे हैं झूठ दिखा रहे हैं, बट वो तो आपने वीडियो में ही देख लिया होगा यार उनकी। और अभी हमारा काफ़ी हो चुका है, यहाँ पर चाची जी भी लगी पड़ी हैं, तो थोड़ा ही बचा है हमारा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज मौसम बहुत अच्छा है, तो ऐसे मौसम में काम करने का और मन करता है। शेरू ये देखो, शेरू कम आ आ शेरू शेरू कहाँ जानो, तो कहाँ जानो ले मेरे मारियो, ले जब जाते हैं नूर क्या एक्टर जाते हैं शेरू
इस कुत्ते की भी बात कर रहे थे दोस्तों अभी तक, अचानक ही आ गया। देखो बोलते हैं ना जिसकी लंबी उम्र होती है वो अचानक ही टपक जाता है, वो टपक जाता है मतलब मरना भी होता है। और टपकने का मतलब ये नहीं कि ऊपर चले जाना, एक टपकना वो होता है कि अचानक आ जाना। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास। केदारनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है, तो सभी लोग यहाँ से जाते हुए जहाज में, काफी दूर है वो हमारे, ये देखो दिखना मुश्किल हो गया है। फाइनली हमारी मंडाई पूरी हो चुकी है, देख सकते हो दो कट्टे भर गए, तीसरा भी भरने वाला है। तो जिस हिसाब से मेहनत की थी उस हिसाब से काफ़ी अच्छा हुआ है। मतलब पहले ऐसा होता था सुअर खा जाते थे, ये होता था, अब ठीक है सुअर भी नहीं है, कम है बहुत सुअर, और काफ़ी अच्छा हुआ है। मतलब इस बार ऑल ओवर मेहनत का फल मिलता है जब आदमी का और मेहनत करने का मन करता है। पौड़ी में देखा होगा आपने, लोगों ने काफ़ी खेत छोड़ रखे हैं, सब छोड़ रखे हैं, मतलब नीचे बस चुके हैं। तो एक बार मेरी मम्मी गई थी वहाँ देहरादून में, तो वो पौड़ी के रहने वाले लोग, तो वो बोल रहे थे यार आपको बढ़िया है कि आप घर जाओगे, ये हमने तो सब कुछ बेच दिया। वहाँ तो मतलब खेत भी नहीं बेच सकते, यहाँ तो इतनी डिमांड है खेतों की और ज़मीन की, आपको क्या बताएं। क्योंकि आपको पता है सारे गांव हरे भरे हैं, यहाँ की सार तो आपने देखी ली होगी। एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको ढंग से, ये यहाँ की सार है देखो, काफ़ी बड़ी सार है, मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ऊपर से दिखाता हूँ, और सामने एक गाँव है उसकी भी दिखाता हूँ मैं आपको, यह है पाली गाँव ऊपर। और नीचे देखो ये खेत, देखो सारे सीढ़ीनुमा खेत मिलेंगे आपको, मौसम भी काफ़ी प्यारा है यहाँ पर। तो अब घर की ओर चलते हैं, काम तो निपट गया। लवाई मंडाई कैसे होती है मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको दिखा दिया था, पहले धान काटते हैं फिर उसको मारने के लिए पैरों वाला प्रोसेस होता है, फिर वो जो पराल लगाते हैं, तो ये पराल भी हमारे काम आती है गाय भैंस के, तो मतलब कि हर चीज़ काम आती है, भैंस का गोबर होता है फिर वो यहाँ काम आता है खाद के। तो मतलब एक दूसरे की दिनचर्या एक दूसरे से चलती है। क्या करें दोस्तों, लोगों के पैर में दर्द हो कुछ हो, लेकिन खेत कर रखे हैं तो उनको पूरा करना जरूरी है। हमारे गांव की लड़कियां भी आ चुकी हैं घास लेके, काफी मेहनती लोग हैं। और यो दाज पद्यो का 80 साल की उम्र हो चुकी है, अभी भी काम कर रहे हैं। दाय तुम जाना का जंगल मान लोन जंगल लोन जाना दाय दी देखो इतने, और यूं दाद हमेशा खोटे पेड़ रोनी तब भी पुंगड़ा करे हैं तब के इलाज भी कर ला तुम स्वास्थ्य कार्ड बनो ला हम बनी बोलो स्वास्थ्य कार्ड ते हम धक्के की बेटी नहीं होना है दवाई खे काम करना है वो ना। आजकल दोस्तों आसपास के गांव में बुखार और जुखाम का माहौल चल रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मौसम ही ऐसा यार, अभी फिर बारिश आ गई है। आप विश्वास नहीं करोगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ ये देखो। अच्छा वाह हमने मान के सक लिया है, बुखार के कारण लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, टाइम पे भी पे खेत नहीं आ रहे हैं क्योंकि सुबह शाम बारिश ही लग रही है। अभी तक जस्ट धूप थी हमने इसलिए ये धान ऊपर डाली थी, अचानक ही बारिश का मौसम हो गया यार, समझ में नहीं आ रहा इस मौसम का। ये देखो उधर देखो यार बादल, दिमाग खराब हो गया यार। छह क्या किस्मत है यार दोस्तों, मतलब जैसे ही आधे से ज़्यादा उठाया हमने ऐसी धूप लग गई, हमने सोचा यार पूरा ही उठा लेते हैं अब क्योंकि ऐसा रिस्क लेना सही नहीं रहता। अचानक मैं नीचे गया फिर बारिश आ गई, तो ऐसे सीन नहीं। ये देखो यार ये बर्मन पे चौड़ गया है काम, मेरी नानी का गांव यहाँ से पास में है, मेरे नानी ने कहा यहाँ बहुत सारे बारिश हो रही है, मम्मी ने बोला यहाँ भी उठाओ बल फटाफट, मैं बोल रहा था नहीं आएगी बारिश, अब आ गई यार, नहीं आई सॉरी, यहाँ उठाना पड़ गया यार, दिमाग ख़राब हो गया। अब दोबारा डालने वाला हूँ नहीं मैं, कल डलेगा अब सीधे।